क्या दोस्तों, आप भी अपने वीडियो के लिए इस तरह का थंबनेल बनाना चाहते हो? तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपको एकदम से समझ आ जाएगा किस तरह से आप अपने वीडियो के लिए खूबसूरत से खूबसूरत और बिल्कुल क्लिक बिट, जो इस पे देख के लोग एकदम से क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं, इस तरह का थंबनेल बनाना मैं आपको मोबाइल पर बनाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको डायरेक्ट बताता हूँ बिना वेस्ट किए टाइम। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। जी तो दोस्तों, हम लोग आगे मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे आते हुए आपने पिक्सेल लैब ये प्ले स्टोर से, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली प्ले स्टोर पे चले आना है, यहाँ पे लिखना है पिक्सेल लैब, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पिक्सेल लैब, ये आपने लिख लेना है प्ले स्टोर पे, और ये आपके पास ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना डाउनलोड करके। उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला, तो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इमेज साइज़ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे कस्टम यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे क्लिक करना है, और नीचे आपने यूट्यूब के लिए बनाना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब बैनर भी आप बना सकते हो, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके कर लेना, और ये साइज़ आपका यूट्यूब थंबनेल वाला आ चुका होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको चार ऑप्शन नज़र आएंगे, आपने थर्ड वाले ऑप्शन पे फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे कलर आएगा, कलर आपने कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी से, मैं अभी कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपने कोई सा भी कर लेना है, मैंने सिंपली ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं टिक पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद अभी आपने आ जाना है ए वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर नीचे ए वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, किसी पे भी, मतलब मैं आपको लिख लेता हूँ कुछ भी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मेक लिख के मैं इसको ओके करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा इन चीज़ों को, ठीक है, यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट में चलाऊँगा, ठीक है, फ़ॉन्ट में आके और यहाँ से आप अपना कोई सा भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी देख के कोई सा भी फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, मैं भी कोई सा भी अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट आगे आएंगे, ठीक है, उसमें उसके बाद मैं स्ट्रोक पे क्लिक कर लूँगा, और मैं ब्लैक स्ट्रोक इसको लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे होंगे शॉर्ट, सॉरी, इस शेडो पे क्लिक करके ब्लैक शेडो मैंने लगा दी। उसके बाद इनर शेडो भी आप लगा सकते हो, ये आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो आप देख सकते हो, कितने मज़े के लग रहे हैं, ठीक है, ये आपने कर लेना है, जो आपको पसंद हो तो आपने कर लेना है, मैंने सिंपली ब्लैक रख लिया, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करके ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी मैं दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे आता हूँ, और सॉरी, यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो न्यू टेक्स्ट आपके सामने शो हो जाएगा, यहाँ पर आपने अभी न्यू टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, मैं भी यहाँ पर लिख लेता हूँ थंबनेल, मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया थंबनेल, ठीक है। उसके बाद ओ सॉरी, कट गया यार, दोबारा मैं लिख लेता हूँ थंबनेल, लिख के मैंने ऊपर ओके पे क्लिक करूँगा, और उसका साइड में थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, और इसको मैं सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट पे आऊँगा, यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेता हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके, और इसका मैं थोड़ा इसको स्ट्रोक वगैरह दे देता हूँ। अब इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं अभी कलर इसका रख लेता हूँ, चेंज करता हूँ, ये कलर आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई सा भी अच्छा सा कलर इसको देख के रख लेता हूँ, ठीक है, मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्योंकि ये बाद में इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा तो अच्छा लगेगा। इस यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, ये लिख लिया ना, उसके बाद यहाँ पे इस पर थंबनेल पे क्लिक करके यहाँ थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैकग्राउंड का, ये नीचे नीचे आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, तो आपने इस बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपने कोई सा भी अपना बैकग्राउंड रख लेना है, तो भी देख ले, मैं कुछ लख लेता हूँ बैकग्राउंड अपना, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इसका कोई अच्छा सा रख लेता हूँ, जो बैकग्राउंड मज़ा करे इसके साथ, ठीक है ना, तो मुझे बस ये ठीक लग रहा है काफ़ी, ये बेहतर है, ठीक है, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ मैक, थंबनेल हो गया। अब यार मुझे यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, वो भी आपको बता दूँ, यहाँ पर दोबारा कलर पर आओगे, ठीक है, अभी इसका थोड़ा कलर ये ठीक है, ठीक है, ये कलर हो गया। उसके बाद थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा लेना है, आपने जिस तरह से आप करोगे बढ़ाना वो आप यहाँ पे कर लोगे फिंगर से, ठीक है, और अभी ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अभी ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सिंपल यहाँ पे जो बड़ी स्क्रीन है यहाँ पर क्लिक करोगे तो इससे ये हट जाएगा। उसके बाद दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑन मोबाइल्स, ये लिख लिया।
उसके बाद ओके करूँगा, यहाँ पे इसको बढ़ा लूँगा थोड़ा सा। अभी क्योंकि जगह थोड़ी बच रही है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर करके छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है ना। ये अपने अपने थोड़ी सी मेहनत करके आपने ख़ुद देख लेने, जहाँ पे आपको अभी मैंने सिंपली आपको बताना है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया ऑन मोबाइल्स, इसके बाद मैं इसके मोबाइल इस वाले की जो एक कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कोई सा कलर, ये रख लेता हूँ, ये भी ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक वगैरह दे दूँगा, स्ट्रोक इसको मैं, सॉरी उससे पहले मैं अपना जो है ना इसको फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा, ठीक है। यहाँ फ़ॉन्ट पे आऊँगा, फ़ॉन्ट पे आके मैं कोई सा भी फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, ये फ़ॉन्ट नहीं मज़ा कर रहा। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट है, हाँ ये ठीक है कुछ हद तक। इसके बाद मैं इसका स्ट्रोक वगैरह ले देता हूँ, मैं इसको ब्लैक स्ट्रोक दे देता हूँ, ये ब्लैक स्ट्रोक ऑलरेडी लग चुका है। उसके बाद मैं दोबारा इसको ब्लैक स्ट्रोक दे देता हूँ, और ये देख सकते हैं अभी कितना मज़ा कर रहा है, ठीक हो गया। इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना अपनी मर्ज़ी है, थोड़ी सी मेहनत करोगे दोस्तों बहुत अच्छा थंबनेल आपके लिए बनेगा। और आपको तो पता ही है थंबनेल जितना अच्छा बनेगा उतने आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो अभी ये हो गया ऑन मोबाइल्स हो गया, उसके बाद आपने अपने कोई पिक्चर्स लगानी है तो वो कैसे लगाओगे। यहाँ ऊपर एक प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करोगे और आपके सामने सब आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई सा भी मतलब वो लगा सकते हो अपना, मैं भी वैसे ये लगा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ बनाया था थोड़ी टाइम पहले तो मैं लगा लेता हूँ, ये जिस तरह से मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी आप अपनी कोई भी तस्वीर लगा सकते हो, इसको भी स्ट्रोक देना है तो मैंने यहाँ पे आ जाना है, कलर में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे कलर तो हो गया, ये फुल रेड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्ट्रोक पे आ जाओगे, स्ट्रोक पे आके मैं इसे ब्लैक स्ट्रोक दे देता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक के अलावा आ गया हो गया, यहाँ शेडो भी मैं ब्लैक दे देता हूँ इसको, और इनर शेडो भी ब्लैक दे देता हूँ, ये हो गया। अब देखें कितना मज़ा कर रहे हैं। अभी इसको अब मैं वाइट दे देता हूँ क्योंकि बहुत ब्लैक हो चुका है, तो बहुत ब्लैक भी मज़ा नहीं कर रहा, तो उसको मैं यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी दोस्तों आपने मेहनत करनी तो होगी ना, अभी देख रहे हैं अभी ठीक लग रहा है। तो इसको आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे आपने करना हुआ। उसके बाद एक और भी आप मतलब कोई थंबनेल लगा सकते हो, मैं दोबारा इसको ही लगा रहा हूँ अपने, अभी मैंने आपको बताना है ना तो मैं बताने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई सा भी देख के सिंपली सा अच्छा सा लगा लेना है। तो अभी मैं इसको इस साइड पर कर लेता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर बड़ा हो के तो ये लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अभी इसको भी आप स्ट्रोक वगैरह दे सकते हो जिस तरह से स्ट्रोक देनी। तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक हो गया। अभी इस साइड पे आप आओगे, ये अब जो साइड रह चुकी है इसमें आप किसी की भी पिक्चर लगा सकते हो, अपनी पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। जिस तरह को आपको पिक्चर होगी वो आपने लगा लेनी। अभी मैं किसी की पिक्चर लगा लेता हूँ सिंपली, और मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी, मैंने ये उठा के लगा दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी अच्छी सी कोई पिक्चर देख के, वो ये जो मैंने शॉर्ट वायरल ले लिखे ना, ये इसकी जगह आप अपनी पिक्चर लगाओगे, ठीक है। ये भी मेरे पास पिक्चर नहीं पड़ी हुई थी इसलिए मैंने आपको बताने के लिए इस तरह से लगाया, ठीक है। ये आप लगाओगे यहाँ पे अपनी प्यारी सी पिक्चर, तो आपको बहुत बड़ा जो है ना वो ज़बरदस्त सा थंबनेल आपका तैयार हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो बहुत ही। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो एरोस के भी रख सकते हो, यहाँ पे एरो पे यहाँ पे क्लिक करोगे, स्टिकर वगैरह भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इमोजी वगैरह भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह के इमोजी आपने लगा लेने आपको जो अच्छे लगे तो अपने इमोजी लगा लेने, ठीक है। इमोजी वगैरह अगर आपको ज़रूरत है किसी वीडियो में तो आपने वो भी यहाँ पे यूज़ कर लेने हैं, ठीक है, हो गया। तो उसके अलावा अभी आपको और बता देता हूँ क्या है, इसके एरो हैं, एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये देख सकते हो एरो भी आ चुके हैं, और इसके अलावा दोनों साइड वाले एरो है, इसके अलावा एक साइड वाला है, ये आपने लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये जिस तरह से आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ये देख सकते हो कितना मज़े का लग रहा है। आप इस तरह से आपने ये चीज़ थोड़ी सी देख लेनी है, ठीक है। इसके फ्यूचर मैंने आपको सारे बता दिए, और इसके अलावा कैपेसिटी इसकी कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इस तरह से आपने करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।